So it's the how to generate maximum sale in a day, how to get maximum sales in a day. यस दोस्तों, आप कुछ भी करते हो उसमें सेल्स की जरूरत पड़ती है. बेसिकली हम लोग इस चैनल पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और मैं भी एक एफिलिएट मार्केटर हूं, तो उसके लिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग का उदाहरण लूंगा. अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट करनी है एक दिन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा. सो दोस्तों, दिस इज टीए एंड यू आर वॉचिंग यूर चैनल ऑनलाइन मनी. अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. इस वीडियो को लाइक देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले. एंड वेलकम बैक टू यूर चैनल ऑनलाइन मनी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों, स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी स्टोरी से. एक कंपनी रहती है जो सेल्स कंपनी रहती है, तो वहां एक एम्प्लॉय आता है. फर्स्ट डे रहता है उसका ज्वाइनिंग का. तो वो क्या रहता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है. जैसे हम लोग एक्साइटेड रहते हैं कि हमें बहुत सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए, तो हम सेल्स के पीछे भागने लगते हैं. तो वो एम्प्लॉय भी ऐसा रहता है और वो भी सेल्स के पीछे भागना चाहता है. लेकिन वो आता है ऑफिस में, पूछता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स कौन करता है और सबसे हायर लेवल पे कौन है. तो उसे बताया जाता है कि एक बंदा है जो सबसे हायर लेवल पे है. तो वो तुरंत जाता है, उससे मिलता है. वो उसका सीनियर रहता है बेसिकली. तो सीनियर से मिलता है, पूछता है कि सर, आप इतना ज़्यादा सेल कैसे जनरेट करते हैं. बंदा उसको बस एक एडवाइस देता है, बोलता है कि मैं कैसे इतना ज़्यादा सेल जनरेट करता हूँ आपको बताता हूँ. आप जाओ, एक बड़ा सा कैलेंडर लेके आओ और अपने ऑफिस में लगा दो. वो जाता है और बड़ा सा कैलेंडर लाता है और लगा देता है बिना सोचे समझे. ठीक है, लगा देता है. अब बोलता है आप क्या करना है. बोलता है यहाँ आपको हर दिन एक मार्क करना है, चाहे वो टिक का हो चाहे वो क्रॉस का हो. ठीक है, टिक का करोगे तो दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी. ठीक है, तो पहली जो सीख है वो पॉजिटिविटी मस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेल्स. चाहे कंडीशन कुछ भी हो, पॉजिटिव रहना पड़ता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है. ठीक है, पॉजिटिविटी. तो आप राइट का साइन यूज करो. तो बोलता है ओके, तो करना क्या है सर. बोलता है हर दिन आपको एक कॉल करना है. ठीक है, अपने एक जिसको सेल करते हैं, जिसको सेल करना है बायर को, हर बायर को एक दिन, मतलब एक दिन में एक कॉल करना है. ठीक है, एक दिन में एक कॉल. बोलता है ओके. नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है. एक दिन कॉल करता है, दो दिन कॉल करता है, तीन दिन कॉल करता है, एक एक दिन कॉल करते जाता है. ऐसे करते करते एक हफ्ता हो जाता है. बोलता है मैं एक कॉल करूंगा तो कैसे मैं, मतलब मीटिंग फिक्स कर पाऊंगा, क्योंकि वो सात दिन सात कॉल करता है, उसमें से एक दो तीन मीटिंग फिक्स होती है जिसमें से एक जाके कन्फर्म होती है. तो वो समझ जाता है कि एक नहीं, मुझे एक से ज़्यादा करना पड़ेगा. तो वो यही चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करता है. अब वो एक की जगह तीन कॉल करता है, कभी चार कॉल करता है, फिर वो और दूसरे दिन पांच कॉल करता है, फिर और थोड़ा दिन होता है फिर छह कॉल करने लगता है, फिर सात कॉल, दस कॉल, बारह कॉल, ऐसे करके वो पंद्रह बीस कॉल डेली करने लगता है. मतलब उसका वीकली जो रहता है, वीकली नहीं भी तो 50-60 जो मीटिंग्स होती है वो फिक्स होता है और उसमें से वो दस दस सेल, पंद्रह पंद्रह सेल निकालने लगता है. तो यहाँ आपको दो चीज़ समझ में आती है कि पहले आपको सारी चीज़ें नोटेड डाउन करनी पड़ेंगी, आपको भी अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा, आपको भी हद से ज़्यादा काम करना पड़ेगा. अगर मैं कहता हूँ कि एक लीड जनरेट करो तो आपको दस लीड जनरेट करना होगा. ऐसे करते करते वो बंदा करते रहता है और बहुत परेशानी आती है. कभी उसके घर में कुछ फंक्शन रहता है लेकिन उसको याद आता है हाँ सर ने कहा था कि मुझे एक कॉल करना है, तो उस दिन वो एक कॉल करता है. कुछ भी हो, एक कॉल करना ही है, एक कॉल करना ही है. कंसिस्टेंट रहना ही है, कॉल करते रहना है. मतलब अगर आपने रूटीन सेट कर लिया कि मुझे एफिलिएट में जीतना है, एक दिन में एक लीड निकालनी है, तो हज़ार लीड निकालो हर दिन, लेकिन आपने एक चीज़ सेट किया था कि एक दिन में एक लीड जरूर निकालोगे. तो कुछ भी हो एक लीड जरूर निकालो. टेक्निकल गुरुजी इज़ द बिग एग्जाम्पल ऑन द अर्थ नाउअडेज ऑन द यूट्यूब. उनको दो वीडियो निकालने रहती है दिन भर की. वो कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी रहे वो बंदा दो वीडियो निकालता है. तो ऐसे ही अगर आप सेल्स में हो तो कुछ भी हो जाए, अगर आपने अपने कैलेंडर पर मार्क किया है कि आपको एक निकालना है, एक सेल देनी है, एक लीड निकालना है डेली, तो आपको एक लीड के लिए एक कॉल या एक पोस्ट डालना ही होगा डेली का डेली. ये आपके मतलब रेगुलर एक्टिविटी में हो जाना चाहिए. ओके, तो ये चीज फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसे ही गाइस वो करते करते जब छह महीने हो जाते हैं और वो कैलकुलेट करता है कि उसने क्या किया, तो जब वो देखता है तो उसने पूरे टोटल छह महीने में 20,000 से भी ज्यादा कॉल ठोक डाले थे बैठ के, और उसमें से हजार से भी ज्यादा मीटिंग्स उसकी कंप्लीट क्लोज डील. और वो जो सपना था उसका कि छह महीने में मुझे टॉप लेवल पे सेल्स में बनना है
और वो टॉप लेवल का सेलर बन जाता है उस कंपनी का सिर्फ 6 महीने में। क्यों बनता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहता है, वो फॉलो करता है एक चीज़ की, ये चीज़ मुझे करनी है तो मुझे डेली करना है। तो यही वो फॉलो करते करते इस गेम को जीतता है। तो एग्जैक्टली गाइज मैं वही समझाना चाहता हूँ, आपने भी अगर बिल्डरल स्टार्ट किया है मेरे साथ और मैंने कहा है आपको कि आप जीत सकते हो तो आप जीत सकते हो। बस कंसिस्टेंट रहो, जो मैंने कहा है आप जो फनल्स मैंने आपको फ्री में दिए हैं उस फनल्स को बना लो, और उस फनल्स के बाद जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज देना स्टार्ट किया है, जो फ्री स्ट्रेटजी नो, जिसमें आपको कोई भी पेड एड्स यूज़ नहीं करने हैं, फ्री के एड्स से आप कैसे सेल जनरेट कर रहे हो, कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग करेंगे, इसमें बस एक फ़र्क है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, काम से काम मतलब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना है। अगर मैंने कहा है कि आप एक पोस्ट करो तो आप जाके 10 पोस्ट करो, रुकना नहीं है, अपना माइंड दौड़ाते रहो और कैसे जनरेट करूं, क्योंकि आपको जीतना है, मुझे नहीं, मैं जीत रहा हूं, आपको जीतना है, आई एम विथ यू, बस आपको सही से काम करना पड़ेगा। मेक लीड, ठीक है, लीड का एक पूरा डाटा बनाओ लाइक दिस, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है लाइक दिस, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये, यहां पूरी चीजें लिखो कि क्या क्या चीज़ आपको, कितनी लीड डेली मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, लोगों का नेम क्या है, लोगों का यूज़र नेम का क्या है, लोगों की ईमेल आईडी क्या है, इस दिन कितना लीड मिला, कितने सेल क्लोज हुए। जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखोगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग में बॉस नहीं बन पाओगे। फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, चीज़ों को फॉलो करो और फिर धीरे धीरे काम करो। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत ही ज़्यादा इजी, और जो मैं बिल्डरल का आपको बताया हूँ उसमें तो आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा मेहनत से काम करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द फोकस। अगर आपका फोकस नहीं है तो आप नहीं जीत पाओगे। रात में जागते सोते उठते एक ही चीज़ सोचना है आपको कि मेरे को बिल्डरल में कल 2 सेल जनरेट करके $100 निकालने हैं। जब तक नहीं सोचोगे कि आपको $100 निकालने हैं, यू आर नॉट गोइंग टू विन मैन, यू आर लूजिंग बिकॉज यू आर नॉट डूइंग। इफ यू वॉन्ट टू विन, स्टार्ट डूइंग। एक चीज़ और मुझे याद है कि कल मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर यहाँ $45 का ये प्रोडक्ट खरीदना है। देखो $45 का प्रोडक्ट तो आपको खरीदना है, लेकिन आपको सोचो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। आपको मिल रहा है ऑटोमेशन, चैटबॉट ऑटोमेशन, ईमेल फनल्स, ठीक है, फनल्स फ्री के सेट करके मैं दे रहा हूँ आपको, जिसमें आप खुद कुछ आपको करना नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, वो मेरे तरफ से बोनस है, वो छोड़ो। आप जैसे देते हो $49.95 लेके चलो, तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं उसके तरफ से, उनकी तरफ से। अगर आप जाते हो ईमेल रिस्पॉन्डर लेने अलग से कहीं से, तो आप गेट रिस्पॉन्डर लोगे, $29 पे करोगे मंथली, सिर्फ एक प्रोडक्ट का, नया नहीं करोगे। लैंडिंग पेज बनाने जाओगे, कोई सा प्रोडक्ट लोगे लैंडिंग पेज बनाने के लिए, पे करना पड़ेगा। डोमेन लेने जाओगे, पे करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप जुड़ोगे तो आप नहीं भी तो मंथली 300-800 से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर हर चीज़ आप लोगे, ऑटोमेशन बॉट उठ लोगे, तो $600-700 पे करने पड़ेंगे, और यहाँ आपको $50 में मिल जा रहा है, तो आप ऐसे ही 600-700 रुपये सेव कर रहे हो अपने। तो ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनका क्वेश्चन ये था लोगों का कि सर मुझे डर लग रहा है कि मैं $50 लगाऊं और कहीं डूब जाए तो, सॉरी डूब नहीं, फिर सर मैं एक महीने में नहीं कर पाऊंगा तो मुझे फिर $50 लगाना पड़ेगा। अरे जान है यार, कर, लगा, कम से कम एक्शन तो ले। अच्छा तू रख के क्या कर ले भाई बता, अगर आप रखे रहोगे अपने बैंक में तो क्या कर लोगे? यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर स्टिल ऑन अ पॉइंट, ब्रोक टू ब्रोक, ब्रोक थे ब्रोक रहोगे। लेकिन अगर कोशिश करोगे तो ₹35 क्या होता है, ₹35 आप पिज़्ज़ा हट जाते हो, आप इधर जाते हो उधर जाते हो, झूला झूलते हो, खत्म हो जाता है। इट्स इजी। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है वो है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द गेम। पीपल अंडरस्टैंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको बचा लेता हूँ, मैं खेलूंगा ही नहीं। नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर, सो प्लीज टेक रिस्क एंड गो, टेक एक्शन, एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, कम से कम एक्शन लोगे, मैं आपको टीच करूंगा राइट डायरेक्शन में, फिर आप आगे ग्रो होगे। अगर एक्शन ही नहीं लोगे तो ग्रो नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। तो ट्राई टू टेक एक्शन फर्स्ट, देन थिंक यार, पहले डाल दो, फिर उसका सोचो क्या होगा, फंस जाओ उसमें, फिर देखो मुझे तो निकालना ही है, मुझे तो जीतना ही है, तब आप जीतोगे। समझ रहे हो? यू कैन डू मैन, यू कैन डू, बिलीव ऑन योर सेल्फ।
बिजनेस विश्वास से चलता है, लेकिन पहला विश्वास आप खुद पे करना पड़ेगा आपको। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू मैन, यू कैन डू, आई एम सेइंग यू कैन डू। मैंने भी यही कहा किया था, फंस गया था पहले पैसे डाल के, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ब्रोक, आई एम ब्रोक, जीरो, कहीं भी पैसे नहीं थे मेरे पास, आई वाज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, समझ रहे हो, जीरो। अभी आपके पास बहुत पैसे होंगे आपके बैंक में, मेरे पास जीरो थे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत पैसे रहते हैं लेकिन तब भी वो डरते रहते हैं, सर मेरा फंस जाएगा, मतलब फंसेगा नहीं दोस्त, पहले फंसाओ पैसे को, फिर उसमें फंस जाओ खुद, फिर उसमें जान लगा दो, मुझे चाहिए तो चाहिए बैक। तो फिर जब आप जान लगाओगे तो क्या होगा, सेल जनरेट होगी और आप जीतने लगोगे, क्योंकि एक सेल जनरेट होगी आप मोटिवेट होगे, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ऐसे होगा काम। अगर आप सोचोगे कि मैं डालू ही नहीं पैसे तो कुछ नहीं होगा, स्टिल यू आर ब्रोक, डेली वीडियोज देखोगे कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा लेकिन आपको। सो इफ यू वॉन्ट टू विन, सो स्टार्ट ट्राइंग, स्टार्ट डूइंग। अगर नहीं लोगे एक्शन तो यू आर नॉट गोइंग टू विन मैन, यू आर नॉट गोइंग टू विन। प्लीज गो एंड टेक एक्शन, दिस इज योर टाइम। मैंने आपको दिया बिल्डर, बिल्डर जानते हो क्या, बिल्डर इस समय आपको बहुत पैसे दे सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी तक बिल्डर को यूज ही नहीं कर रहा है। और बुलशिट, डरते हैं लोग, बहुत डरते हैं कुछ लोग, कुछ लोग करते हैं तो वो फ्री वाला वर्जन करते हैं, फ्री वाले वर्जन में आप एफिलिएट कर ही नहीं सकते, तो क्या कर रहे हो फ्री वाले वर्जन में, आप जाके जेवीयू ट्राई कर रहे हो, फ्री वाले वर्जन लेके क्या आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, नहीं बना सकते, कोई चीज़ आपको वहाँ फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है। और अगर आप जेवीयू में भी जाते हो तो मैंने जेवीयू का आपको गिनाया कि कितना सारा प्रॉब्लम है उसमें, आपको बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बहुत लंबा प्रोसेस है, यहाँ तो आपको सीधा बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है और उसको बस आपको जाके सामने देना है, क्योंकि सब डोमेन या फनल या चैटबॉट कैसे फिट करना है वो सब तो मैं दे रहा हूँ आपको फ्री में, सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सो गाइस प्लीज बी सीरियस, गो टेक एक्शन इफ यू वांट टू विन, सो गो टेक एक्शन। डोंट केयर कि कितना पैसा लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आपके पास $50 है आज क्या स्टार्ट करो। मैं बोलता हूँ अगर दम मारोगे, दम मारोगे खुद के दम पे, विश्वास रख के तो जीतोगे, नहीं रखोगे हारोगे, हारोगे और स्टिल यू आर ब्रोक, और कल भी ब्रोक रहोगे, आज भी ब्रोक हो, समझे। अगर यहाँ से यहाँ जाना है सो गो एंड टेक एक्शन, दिस इज योर टर्म, योर टर्म एंड योर टर्म। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ज्वाइन करो बिल्डर को, पिछली वीडियोस जाके देखो, लास्ट में मिल जाएगी इसके बाद या डिस्क्रिप्शन में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।